हेलो स्ट्यूडेंट्स आई एम अगेन बैक विथ पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर फोर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूलर लोकल इंस्टीट्यूशंस स्ट्यूडेंट्स आई होप यू एल है पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर इफ नॉट डू वॉच इट बेटा पार्ट वन में हम यहाँ तक कम्प्लीट पढ़ चुके हैं पार्ट टू हम स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द पंचायत बेटा अगर आप लोगों ने पार्ट वन देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारी पंचायत होती हैं ये बहुत सारे काम करती हैं और बेटा क्या कोई काम बिना पैसों के हो सकता है बिना मनी के हो सकता है पॉसिबल ही नहीं है तो कहाँ से आती है इनके पास मनी फंड्स कहाँ से ये लोग रेस करते हैं उसको अब हम डिस्कस करेंगे इट मीन्स हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इनकम कि भैया हमारे जो पंचायत है उनके क्या सोर्सेज हैं इनकम के तो मेजर सोर्सेज को पहले हम डिस्कस करेंगे इन सोर्सेज को हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट है कि 1992 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और स्ट्रेंथन किया गया उस टाइम पंचायत को पूरे राइट दिए गए कि वो टैक्सेस इम्पोज कर सकती हैं प्रॉपर्टी पे, लैंड पर गुड्स पर और कैटल्स cattle पे। कैटल्स बोले तो जानवर प्रॉपर्टी गुड्स आप सबको पता होगा लैंड बोले तो ज़मीनें ठीक है इन सब पे टैक्स कौन इम्पोज कर सकती है पंचायत इम्पोज कर सकती है लेवी का मतलब होता है लगाना इम्पोज करना ठीक कोई बात तो पंचायत के पास पूरा राइट है कि वो टैक्सेस लगा दे, प्रॉपर्टी मतलब के ऊपर लैंड के ऊपर गुड्स के ऊपर और कैटल्स के ऊपर मतलब जानवरों के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता बेटा अब हम पढ़ेंगे एट द ब्लॉक लेवल तो अगर मैं ब्लॉक लेवल की बात करूं पंचायती राज सिस्टम में ब्लॉक लेवल पे क्या होता है तो ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल और लगभग सौ सौ गाँव को कवर करता है सौ गांव को सौ विलेज को कवर करता है अगर कोई आपसे कि भाई आज बताओ कि आज कितनी पंचायत समिति है पूरी कंट्री में पूरे भारत में तो बता देना लगभग छह हजार ठीक है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक कितने को कवर करता है जान लिया कि पूरे देश में छह हजार पंचायत समिति है तो पंचायत समिति का काम क्या होता है तो पहली बात तो ध्यान रखना कि मतलब की पंचायत समिति इंटरमीडिएट बॉडी है इंटरमीडिएट मतलब मिडिल मैन की तरह काम करती है जो कोऑर्डिनेट करती है एक्टिविटीज को किसकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करती है विलेज पंचायत की ठीक है एक ब्लॉक में एक तालुका में जितनी भी विलेज पंचायत होती हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है पंचायत समिति का है अगर मैं ब्लॉक समिति या पंचायत समिति इसको ब्लॉक समिति भी बोल सकते हैं और पंचायत समिति भी बोल सकते हैं अगर मैं ब्लॉक समिति या पंचायत समिति की बात करूं तो इन्हें अलग अलग राज्य में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में इन्हें कहते हैं क्षेत्र समिति एरिया कमेटी क्षेत्र क्षत्रिय का होता है क्षेत्रफल वाला क्षेत्र क्षेत्र समिति ठीक है एरिया कमेटी मध्य प्रदेश में इन्हें जनपद पंचायत कहा जाता है गुजरात में इन्हें तालुका पंचायत कहा जाता है आंध्र प्रदेश बिहार महाराष्ट्र उड़ीसा में इन्हें पंचायत समिति के नाम से ही जाना जाता है और तमिलनाडु में इन्हें यूनियन काउंसिल कहा जाता है तो ध्यान से सुनो कि भाई जो पंचायत समिति है इन्हें पूरे इंडिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे उत्तर प्रदेश में इन्हें क्षेत्र समिति कहते हैं मध्य प्रदेश में पंचायत जनपद पंचायत मध्य प्रदेश जनपद पंचायत गुजरात तालुका पंचायत आंध्र प्रदेश बिहार महाराष्ट्र उड़ीसा पंचायत समिति और तमिलनाडु में तो इसे बोलते हैं यूनियन काउंसिल क्या बोलते हैं बच्चों तो यूनियन काउंसिल अब हम देखेंगे क्या कंपोजिशन होता है पंचायत समिति का बात क्या कंपोजिशन होता है पंचायत समिति का तो जितने भी सरपंच होते हैं बच्चा जो प्रेसिडेंट होते हैं पंचायत के विद इन द ब्लॉक एक ब्लॉक में जितनी भी पंचायत होंगे उनके सरपंच होंगे तो जो सरपंच होंगे वो एक्स ऑफिसियो मेंबर हो जाते हैं पंचायत समिति के ठीक है ठीके? तो ब्लॉक लेवल पे जब पंचायत समिति बन रही है मतलब ब्लॉक समिति जब बन रही होती है तो उसमें पहली सीट तो किसके लिए रिजर्व हो जाती है सारे सरपंच के लिए एक गांव का सरपंच दूसरे गांव का सरपंच तीसरे गांव का सरपंच एक ब्लॉक में जितने भी गांव होंगे उनके सरपंच तो एक्स ऑफिस मेंबर हो ही जाते हैं जैसे ही आप सरपंच बने वैसे ही अब ब्लॉक समिति के मेंबर बन गए इसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में आने वाले जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे ठीक है बात लोकसभा राज्यसभा में होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद जिन्हें हम कहते हैं विधायक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारी कंट्री में सिर्फ सिक्स स्टेट के पास है तो सिक्स स्टेट में ही भैया आपको एम मिलेंगे जो ब्लॉक समिति में पार्ट लेंगे बाकी स्टेट्स में नहीं मिलेंगे तो एम पी एम एल एम एल सी भी ब्लॉक समिति का पार्ट बन जाते हैं जो पर्सन होता है टाउन एरिया कमेटी का उस पर्टिकुलर नोटिफाइड एरिया कमेटी का जिसे हम क्या कहते हैं नगर पंचायत है तो। ठीक है वो भी आएगा अब जरा यहाँ ध्यान से सुनो नगर पंचायत क्या होती हैं तो नगर पंचायत वो एरिया को हम बोलते हैं जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो रहा है ट्रांजिशन में है ना ही तो पूरा रूरल है ना ही तो पूरा अर्बन है ट्रांजिशन फेज में है तो उसका जो चेयरपर्सन होगा वो भी यहाँ पर आएगा वन थर्ड सीट्स रिजर्व की जाती है वेमेन के लिए ठीक है देयर रिप्रेजेंटेशन हैज बीन टू फिफ्टी परसेंट इन स्टेट्स देखो वन थर्ड जो सीट्स होंगे पंचायत समिति की उन्हें रिजर्व किया गया है विमेन के लिए और कुछ स्टेट्स ने तो इस परसेंटेज को बढ़ा के फिफ्टी परसेंट तक लेके गए हैं ठीक है थेके? अगर हम वन थर्ड की बात करते हैं तो वन थर्ड होता है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज बट इन सम स्टेट्स इट हैज गॉन गु फिफ्टी परसेंट ओके जो शेड्यूल कास्ट हैं शेड्यूल ट्राइब हैं उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन अब बेटा कुछ ब्लॉक होंगे जहाँ पर शेड्यूल कास्ट ज़्यादा होगी कुछ ब्लॉक्स होंगे जहाँ शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा होगी तो इनके प्रपोर्शन में इन्हें रिजर्वेशन दिया गया है ठीक कोई बात जो पंचायत समिति होती है उसको टॉप तो भी फाइव ईयर्स ही होता है मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोजीशंस का फाइव इयर्स की है सिर्फ एक राज्यसभा को हम छोड़ दे दो ठीक है तो ऐसे ही पंचायत राज्यसभा का टर्म कितना सिक्स इयर्स पंचायत समिति जो है उसका टर्म कितना फाइव ईयर ही होता है जो समिति है वो इलेक्ट करती है अपने खुद के चेयरपर्सन को मैंने क्या बोला बेटा हमारे यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पोजीशन है मैक्सिमम जो उन लोगों का टाइम ड्यूरेशन है टर्म है फाइव ईयर का ही राज्यसभा में ये सिक्स इयर्स होता है समिति अपने चेयरपर्सन को चुनती है जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है पंचायत समिति का उसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं तो ब्लॉक लेवल पे कौन होगा बी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अब भाई हमने ये जो पंचायत समिति बनाई हैं, उनके काम क्या है वो देखेंगे ठीक है तो तीन प्रकार के काम करती हैं हमारी पंचायत समिति पहला है सिविक फैसिलिटीज एंड डेवलपमेंटल फंक्शन विकास के काम करेंगी और जो बेसिक नीड्स हैं बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करेंगी पहला रूरल हेल्थ प्रोग्राम चलाएंगी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आज हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं लगभग तीन हज़ार से भी ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर काम कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ठीक है जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं विलेजेस को तो इनको देखना किसका ही काम है ब्लॉक समिति का रूरल हेल्थ प्रोग्राम कौन देख रहा है पंचायत समिति इसमें लगभग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं थ्री थाउजेंड के करीब क्या है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं और जो हेल्थ सर्विसेज विलेजेस को प्रोवाइड करते हैं इसके बाद बेटा हमारी पंचायत समिति क्या देखती है रूरल वाटर सप्लाई गांव में प्रॉपर पानी आता रहे रूरल रोड्स गांव में प्रॉपर रोड्स हो और मार्केट को रेगुलेट करना भी इन्हीं का काम होता है अब जैसे दूसरे जो फंक्शंस हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री खेती किसानी से जुड़ा हुआ अगर कोई काम हो एनिमल हजबेंड्री जहाँ पर पशुपालन होता है उससे रिलेटेड कोई काम हो फिशरी से रिलेटेड कोई काम हो तो इसके लिए भी अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए है तो वो भी कौन दे सकती है आपको पंचायत समिति इन सबको भी रेगुलेट पंचायत समिति करती है इसमें प्रोविजन्स किए गए कि भाई हमें सीड्स की वैरायटी को इम्प्रूव करना है पेस्टिसाइड्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है कीटनाशकों को डिस्ट्रीब्यूट करना है सीड्स इम्प्रूव uh, करना है डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री नेक्स्ट फंक्शन है कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करना है हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट हाथों से बनाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट हो हैंडलूम uh, मतलब हाथों से बनाई गई साड़ी हो कपड़ा हो सूट हो और विलेज इंडस्ट्रीज़ को इनको प्रमोट करना है जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रूरल एरिया में बढ़ जाए ठीक है आ, अभी हम लोग बहुत प्लेसेस पे ऐसा देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मटेरियल ऐसा बनाया जाता था जो बहुत यूजफुल था वहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस थी टाइम में वहाँ पर सब कुछ बंद हो गया है तो उसे वापस से चालू करवाना है उसे एक नई डायरेक्शन देना है अब हम देखेंगे सोशल वेलफेयर जन कल्याण क्या होता है ये जन कल्याण समाज का कल्याण ठीक है सोशल वेलफेयर मतलब पूरी सोसाइटी में कल्याणकारी योजना लेके आना जन कल्याण की बात करना जो पंचायत समितियां होती हैं वो प्रमोट करती हैं किसके वेलफेयर को शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के देखो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को हम ऐसा मानते हैं कि बहुत टाइम तक इनके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी तो ये आगे मेन स्ट्रीम ऑफ इकॉनमी में नहीं आ पाए तो थ्रू वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम्स हम इन्हें अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं एस सी स्टैंड फॉर शेड्यूल कास्ट एस टी फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड ओ बी सी फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस बहुत तो बेटा शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब ओ इनके लिए तो काम करती ही है हमारी सरकार साथ ही साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आती है जो किसके स्टेटस में इम्प्रूवमेंट करें विमेन चिल्ड्रन बच्चों के स्टेटस को सुधारें औरतों के स्टेटस को सुधारें इनकी लाइफ को इम्प्रूव करें आंगनवाड़ी जो सेटअप की गई वो रूरल एरियाज़ में इसी परपज़ से सेटअप की गई थी देखो आंगनबाड़ी जब भी ए, होती है तो वो पूछती है कि भाई आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी तो नहीं है फिर अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको चेकअप के लिए बुलाती हैं उन्हें दुनिया भर की जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड होती हैं भले वो फोलिक एसिड हो आयरन हो कैल्शियम हो वो देती हैं फिर उनका प्रॉपर वेट करती हैं जो छोटा बच्चा आपके घर में होता है उसको वैक्सीनेशन के लिए बुलाती हैं उसको हर मंथ वेट के लिए बुलाती हैं उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखती हैं तो जो आंगनबाड़ीज़ हैं वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या ब्लॉक लेवल पे जो समिति है वो काम इसलिए कर रही है जिससे कि बच्चों और स्पेशल फोकस किया जाए। जो मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूलर एम्प्लॉयमेंट एक्ट द नेशनल रूलर एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नेशनल रूलर एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा ठीक है उसका काम है उसे इस तरीके से बनाया गया है कि हर गांव में काम देंगे कितने दिन का लगभग सौ दिन का काम तो हर किसी को मिलेगा पर कुछ केसेस में ऐसा होगा कि हम काम ना दे पाए और अगर हम काम नहीं दे पाए तो हम उन लोगों को देंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस क्योंकि हम सरकार फेल होती है काम देने में तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई जिनको काम नहीं मिला उन्हें कम से कम पैसा दिया जाए भले उन्होंने कुछ किया नहीं हो अनएम्प्लॉयमेंट अलाय अलाउंसेस मतलब बेरोजगारी भत्ता क्या कहेंगे बेरोजगारी भत्ता नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या बोलते हैं इसको नरेगा ठीक है कितने दिन की नौकरी देता है सौ दिन की गारंटीड के सौ दिन का काम तो हम हर व्यक्ति को देंगे गांव में अगर हम नहीं दे पाए तो हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देंगे ऑफ़ अन स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट टू इच रूरल हाउस होल्ड ऑप्टिंग फॉर इट जो भी इसके लिए ऑप्ट करेगा हम उसे एम्प्लॉयमेंट देंगे दैन सुपरवाइजरी फंक्शन जो पंचायत समिति होती हैं वो ग्राम पंचायत के काम को सुपरवाइज करती हैं जो समितियाँ होती हैं वो देखती हैं बजट किसका पंचायत का पंचायत का, का बजट देखेंगी उसको एग्जाम करेंगी उनके काम को सुपरवाइज़ करेंगी इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ पी डी ओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऐसा नहीं अपनी मनमानी से कुछ भी करता रहे उसके काम के ऊपर कंट्रोल रखेंगी उसके असिस्टेंट के काम के ऊपर एक सुपरविजन रखेंगे एक नज़र रखेंगी डेलीगेटेड फंक्शन अब आई आर डी पी बोले तो इंटीग्रेटेड रूलर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एक मेजर प्रोग्राम है गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या होता है बच्चे बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आती हैं ठीक है जहाँ पर रिसोर्स को शेयर किया जाता है फ़िफ्टी फिफ्टी बेसिस पे फिफ्टी परसेंट सेंटर देगा फिफ्टी परसेंट स्टेट देगा स्टेट ये काम असाइन कर देता है डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज को ठीक है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इश्यूज डायरेक्शन टू द पंचायत समिति अब देखो बेटा बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना के भेजती है जिन्हें हम कहेंगे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ये जो स्कीम्स होती हैं ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं जहां पर फंड की शेयरिंग होती है फिफ्टी फिफ्टी बेसिस पे कि भाई फिफ्टी परसेंट सेंट्रल दे देगा दे तो फिफ्टी परसेंट स्टेट दे देगा अब स्टेट गवर्नमेंट इस काम को असाइन कर देती है डिस्ट्रिक्ट एजेंसी को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इशू कर देता है डायरेक्शन किसके लिए पंचायत समिति के लिए कि भाई पंचायत समिति आपको ये काम करना है और जो समितिज होती हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप रूरल एरियाज़ में ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप करोगे भले ही वो स्वच्छ भारत अभियान हो उसके थ्रू करो सारे गाँव को प्रॉपरली क्लीन करो चाहे तो शौचालय बनवाने का काम हो पब्लिक टॉयलेट्स बनाने का काम हो तो वो भी आपको करना पड़ेगा स्कूल्स देखो जो हेल्थ क्लिनिक्स होती हैं उनकी व्यवस्थाएं करो पर करना तो पड़ेगा नाउ सोर्सेज ऑफ इनकम

एक फिक्स परसेंटेज लैंड रेवेन्यू का किसको मिलता है पंचायत समिति इसको एक पंचायत को मिल जाता है दूसरा पंचायत समिति को मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वेडिकेट फाइनेंस देंगी पंचायत समिति इसको देखो तुम एक्सपेक्ट तो बहुत कर रहे हो कि ब्लॉक समिति ये काम भी कर दे वो काम भी कर दे पर ब्लॉक समिति के पास पैसा नहीं होगा जब तक तो वो कैसे करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट को ये इंश्योर कराना बहुत जरूरी होता है कि भाई जो मैं काम ब्लॉक को दे रहा हूँ उसको करने के लिए उसके पास प्रॉपर फंड्स अवेलेबल हों जिससे वो इम्प्लीमेंट कर पाए बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को अब हम सी देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पहले हम जिला परिषद की मीनिंग को पढ़ेंगे चलो तो जो जिला परिषद है वो एपेक्स मतलब हाईएस्ट बॉडी है पंचायती राज सिस्टम का पंचायती राज सिस्टम का एपेक्स और हाईएस्ट बॉडी कौन सी है जिला परिषद जो पंचायत समितिज़ की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होता है उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है तो ज़िला परिषद एपेक्स हाईएस्ट बॉडी है पंचायती राज सिस्टम का ये कोऑर्डिनेट करता है पंचायत समितिज़ के एक्टिविटीज़ को ज़िला परिषद को हम महकुमा परिषद भी कहते हैं कहाँ पर असम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल काउंसिल कहते हैं कर्नाटका और तमिलनाडु में कर्नाटका तमिलनाडु में कहते हैं इनको डीडीसी -दि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल महकुमा परिषद कहते हैं असम में अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि इसके जिला परिषद के तो जनरली अगर हम बात करें तो जिला परिषद में फॉलोइंग मेंबर्स होते हैं पहला द प्रधान ऑफ द पंचायत समिति पंचायत समिति का जो प्रधान होगा वो जिला परिषद का पार्ट होगा फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हम दैट डिस्ट्रिक्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेगिस्लेचर का को कोई मेंबर आता होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता होगा तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा हर कोऑपरेटिव सोसाइटी से उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा एक शेड्यूल कास्ट एक शेड्यूल ट्राइब और एक विमेन रिप्रेजेंटेटिव होगा जितनी भी जिला परिषद हैं उनका टर्म पाँच साल के लिए ही होता है बेटा अब हम अच्छा इसको और कम्प्लीट कर लेते हैं द चेयरपर्सन इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ जिला परिषद चेयरपर्सन को इलेक्ट करता है

हर पंचायत में सीट शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब औरतों के लिए रिजर्व होगी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा जो डायरेक्शन और कंट्रोल करेगा जितनी भी इलेक्ट्रल प्रोसेस होगी गांव में इलेक्शन की पंचायत के इलेक्शन में किसका मेजर रोल होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन भी है इनके पास एक फाइनेंस कमीशन होगा जिसे हर पाँच साल के लिए पाँच साल के लिए बनाया जाएगा नो फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद पहला है सिविक फैसिलिटीज एंड वेलफेयर फंक्शंस ठीक है सिविक फैसिलिटीज एंड वेलफेयर फंक्शंस सिविक फैसिलिटीज बोले तो नागरिक की जो बेसिक सुविधाएं होती है वो दी जाएंगी वेलफेयर फंक्शन तो बोले तो कल्याणकारी जो काम होंगे वो इसमें आता है पहले कंस्ट्रक्शन करना मेंटेनेंस करना पब्लिक रोड्स का ब्रिजेस का और कलवर्ट्स का ब्रिजेस बनाना डैम्स रोड्स बनाओ डैम्स नहीं भाई ब्रिज बनाओ ठीक है रोड्स बनाओ कलवर्ट्स बोले तो पुलिया बनाओ तो पहली बात तो पहला फंक्शन है जिला परिषद का कि ये देखना कि कोई नई रोड बनाने की ज़रूरत है तो वो बना दे अगर कोई पुरानी ख़राब हो गई तो उसे मेंटेन कर दे तो रोड भी बनाना है ब्रिज भी बनाना है और कलवर्ट्स बोले तो पुलिया भी बनाना है सेकेंड काम है टू डेवलप द लैंड ज़मीनों को डेवलप करना है वाटर, ह्यूमन रिसोर्सेज कोई पर्टिकुलर एरिया की ज़मीन को पानी को ह्यूमन रिसोर्स इन सब को ये डेवलप करना है ठीक है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं हम इन्हें पढ़ा सकते हैं इन्हें कुछ कौशल सिखा सकते हैं कुछ हैंडी क्राफ्ट सिखा सकते हैं लैंड को डेवलप करने के लिए हम वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं ज़मीनों को डेवलप करने के लिए हम किसानों को प्रॉपर एडवाइस दे सकते हैं कि कौन सा पेस्टिसाइड कौन सा बुटिसाइड फ़र्टिलाइज़र मैंने और यूज़ करना है फिर लाइब्रेरीज़ एस्टेब्लिश करें गाँव में शिक्षा संस्थान बनाएं डिस्पेंसरीज बनाए डिस्पेंसरीज इलाज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ाई के लिए और लाइब्रेरीज़ वेलफेयर uh, uh, कल्याण करें किसका वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए वेलफेयर स्कीम्स लेके आए रिलीफ प्रो, प्रोवाइड करें इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस स्कैरिटी स्कैरसिटी फ्लड आए तो भी uh, सूखा पड़ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी कोई चिंता का विषय हो तो भी रिलीफ़ कौन प्रोवाइड करेगा जिला परिषद देन कोऑर्डिनेशन एंड सुपरवाइजरी फंक्शन जो जिला परिषद होता है ना बेटा वो सुपरवाइज करता है पंचायत समिति के काम को ग्राम पंचायत के काम को जो जिला परिषद होता है साथ ये साथ ही साथ ये भी देखता है चेक करता है अप्रूव करता है पंचायत समिति के बजट को पहले तो देखेगा एग्जामिन करेगा उसके बाद अप्रूव करेगा कई करे बार चेंजेस करने को भी बोल सकता है जो गवर्नमेंट है वो ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रही है जिससे मॉनिटर किया जा सके पंचायत समिति इसको उनके कामों को इवन बजट को अकाउंटिंग को तो ई गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस है अभी गवर्नमेंट का एडवाइजरी एंड फाइनेंशियल फंक्शंस तो जो जिला परिषद है वो एडवाइस देता है कि स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द नीड्स ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज अब देखो रूरल एरियाज में हर रूरल एरिया की अपनी एक अलग प्रॉब्लम होती कहीं है कहीं पर पानी ज़्यादा है कहीं पर सूखा है कहीं पर नदियाँ नहीं है कहीं पर नदियाँ इतनी है कि हर साल बाढ़ आ जा रही है ठीक है तो हर गांव की अपनी एक प्रॉब्लम है तो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइज़ करती है ज़िला परिषद कि भाई बेसिक नीड क्या है इस पर्टिकुलर विलेज की इनको फंड्स मिलते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के तरफ से जिसको ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं किसको पंचायत समिति इसको। नाउ डेवलपमेंटल फंक्शन अब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है हर लेवल पे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम कर रहा है ये है हमारे महात्मा गांधी जो चरखा चला रहे हैं जिनका सपना था कि पंचायती राज सिस्टम बने महात्मा गांधी का कहना ये था कि इंडिपेंडेंस तभी स्टार्ट होगी जब ये कहाँ से शुरू हो बॉटम लेवल से शुरू हो ग्रास रूट लेवल से शुरू हो मतलब विलेज से शुरू हो तो एवरी विलेज विल बी आ रिपब्लिक हर गांव रिपब्लिक बने गणतंत्र बने ठीक है पंचायत हैविंग फुल पावर जब पंचायत के पास पूरी पावर हो हर गांव सेल्फ सस्टेन्ड हो और कैपेबल हो अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए हर गांव के अपने अफेयर्स अलग होते हैं उन्हें मैनेज करें ठीक है पूरी ताकत से हमारी पंचायत काम करे ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंचाइए ये किसका सपना था महात्मा गांधी का चलो 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 तो हम यहाँ पर कहाँ थे बहुत सारे डेवलपमेंटल फंक्शंस करती है कौन अब वो फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं इरीगेशन सिंचाई व्यवस्था को देखना बेटा जब हम खेतों में फसलों को पानी देते हैं तो उसे क्या कहते हैं सिंचाई करना तो सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल हो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गांव-गांव में बिजली हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम पीडीएस सिस्टम भी कहते हैं वो प्रॉपरली काम करे सबके पास राशन कार्ड हो सबको अनाज मिल पाए सोर्सेज ऑफ इनकम तो शेयर इन लैंड रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू में इनका भी शेयर होता है ये उसको लेंगे टैक्सेस एंड सेस लाइसेंस फीस एंड मार्केट फीस मार्केट फीस लेते हैं लाइसेंस फीस लेते हैं सेस और टैक्स भी लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट इन्हें ग्रांट देती है इनकम इन्हें मिलती है ज़िला परिषद की प्रॉपर्टी से भी इन्हें फंड अलॉट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी किस क्यों क्योंकि कुछ स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आती हैं जैसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना ठीक है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना ऐसी जो स्कीम्स आती हैं ना स्कीम्स ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो इनके लिए पैसा सेंटर भेजता है कि उसको जिला को कि भाई तुम्हारे पर्टिकुलर एरिया में भी तुम ये सारी स्कीम्स को प्रॉपरली लॉन्च करो क्लियर हुई बात इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं नाउ इंस्टीट्यूशन इतना कुछ करने के बाद भी बेटा अब तक बहुत कुछ हमारे हाथ नहीं लगा है आज भी हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं पंचायत ने बूस्ट दिया है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को और बेटा जो डेमोक्रेसी का एसेंस होता है वो इलेक्शन ही होता है है ना तो बेस्ट रिकॉर्ड रहा है कि भाई पंचायत के लिए पंचायती राज के लिए रेगुलर इलेक्शंस होंगे और ये तीन स्टेट्स में बहुत बेहतर रहा है वो है गुजरात महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल बहुत सारे स्टेट्स में जो इलेक्शन थे पंचायत के लिए वो वोफुली थोड़े रेगुलर रहे हैं और शॉर्ट कमिंग सब हम पढ़ते हैं ऐसा क्यों हुआ या क्यों प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे पहली बात आर एथिकल मीन्स इन इलेक्शन इलेक्शन में अनथिकल मीन्स को अडॉप्ट किया जाता है मनी गेम इन इलेक्शन इलेक्शन में मनी का गेम है क्रिमिनल कनेक्शन होता है कई बार पावरफुल फंक्शन पावरफुल जो लोग होते हैं रूरल एरियाज़ में वो अपनी पार का मिस यूज़ करते हैं एंड अपील टू वोटर्स कास्ट फीलिंग और कई बार ये लोग वोटर्स से अपील करते हैं यार मैं तो तुम्हारी जात का हूँ मैं तुम्हारी कास्ट काउंटर हूँ हाँ मेरे लिए वोट दो तो कई बार हमने देखा है कि अनैथिकल मीन्स का यूज़ हो रहा है इलेक्शन में कई बार पैसे का यूज़ हो रहा है कई बार कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड के पर्सन अपनी पावर का यूज़ करें कुछ बार वोटर से अपील कर रहे हैं कि भाई चलो मैं तो तुम्हारी जात का कहूँ मेरे लिए वोट दो डिवोल्यूशन ऑफ थ्री एप्स जो यूनियन मिनिस्ट्री uh, है रूरल डेवलपमेंट की वो इनक्रेज करती है स्टेट गवर्नमेंट को टू डिव और ट्रांसफ़र थ्री एप्स दैट इज़ फंक्शंस फंक्शनरी फाइनेंस किस को पंचायती राज सिस्टम को महिला ग्राम सभा मीटिंग व रिकमेंडेड टू बी कंक्लूडेड ऑल ओवर द कंट्री पूरी कंट्री में महिला ग्राम सभा मीटिंग्स हो है ना जहाँ पर फ्री और फ्रैंक डिस्कशन हो सेंसिटिव इश्यूज पे जैसे चाइल्ड सेक्स रेश्यो पे सेक्स रेश्यो क्या होता है बच्चा पर थाउजेंड मेल पे कितनी फीमेल है ये डिसाइड करता है सेक्स रेशो को पूरे देश में ये रिकमेंड किया गया कि महिला ग्राम सभा मीटिंग्स हों मीटिंग्स में फ्री फ्रेंक डिस्कशंस हों सेंसिटिव इशूज पे जैसे चाइल्ड सेक्स रेशू पे सेक्स रेशो क्या होता है बेटा था? एक हज़ार मेल पे कितनी फीमेल है अभी 2011 में जो सेक्स रेशो था वो कि भाई 943 फोर्टी थ्री फीमेल्स हैं ऑन वन थाउजेंड मेल ठीक है इग्नोरेंस लिटरेसी एंड पावर्टी ऑफ द पीपल इग्नोरेंस अज्ञानता पावर्टी मतलब गरीबी ये भी बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं पब्लिकी एंड लैक ऑफ एंथोजियाज लोग बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक ही नहीं है पंचायती राज के लिए क्योंकि इतनी ज़्यादा गरीबी है लोग इतने अज्ञान हैं अभी भी कि उन्हें इसका जेस्ट ही समझ में नहीं आ रहा है कम्यूनल ट्रेंड्स इन वोटिंग कई बार हम देखते हैं जो वोटर्स होता है वो कम्यूनल लाइन के ऊपर सोच ही नहीं सकता रिलीजियस प्रेजिड के ऊपर सोच ही नहीं पा रहा है कई बार वो कम्यूनल लाइन्स पे ही वोट दे देते हैं जो हिंदूज होते हैं वो बहुत सारी कास्ट और ग्रुपिंग्स में डिवाइडेड होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो जात पात है जो कास्ट है वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बन जाती है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का और रूरल एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा वेटेजाइज एक्सेसिव ऑफिशियल कंट्रोल एंड इंटरफेरेंस डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो अंडूली हमेशा इंटरफेयर करते रहते हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की वर्किंग में जो डिस्ट्रिक्स ऑफिशियल्स होते हैं वो अप्रोच करते हैं एमपीज़ को एम को और प्रेशराइज़ करते हैं इनको कि भाई इस पंचायत को डिज़ोल्व कर दो सस्पेंड कर दो इनकी कनेक्शन ऊपर तक होते हैं तो अगर कोई पंचायत प्रॉपर इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी तो ये उसको सस्पेंड करने की बात करते हैं पार्टी पॉलिटिक्स पार्टीज जो हैं उन्होंने डिवाइसिव स्पिरिट को इंट्रोड्यूस किया है पंचायती इलेक्शंस में इट वुड बी बेटर इफ लोकल इलेक्शंस वर ऑन नॉन पार्टीशन बेसिस देखो लोकल जो इलेक्शंस हो रूरल एरियाज के जो इलेक्शंस हो उनमें पार्टी का इतना ज्यादा रोल नहीं होता है देखो? वहाँ पर व्यक्ति की इंपॉर्टेंस समझी जाए पता उसको सब कुछ हो कि भाई वो कैसे रूरल एरिया को डेवलप कर सकता है कैसे नहीं कर सकता है या पार्टीशन लाइन पे इलेक्शंस नहीं होने चाहिए कि भाई इलेक्शन कॉन्सेंट्रेटेड है बीजेपी और कांग्रेस को लेके बस ठीक है क्योंकि सेंटर में बीजेपी है तो गाँव में भी बीजेपी होना चाहिए या कांग्रेस को ले आना चाहिए बीजेपी की स्कीम इस तरीके से इलेक्शन ना हो नॉन पार्टीशन बेसिस पे इलेक्शन हो एडिकेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जो ग्रांट रिसीव होती है पंचायत को वो पर्याप्त नहीं है एडिकेट नहीं है न्यू लेजिस्लेशन जो पंचायत से और जो म्यूनसिपालीज़ हैं अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गए हैं जो नया लेजिस्लेशन है उसने कुछ इंप्रूवमेंट किए हैं हम होप करते हैं कि आने वाले टाइम में एस सी और टी औरतें सबको उनके राइट्स मिलेंगे क्लियर है और ये राइट्स इन्हें कोई देगा नहीं ये फोर्सफुल मैनर में ले लेंगे Okay, well. so student i'm in this video here only if you have any doubt any problem to write in comments